चलिए अब शुरू यहाँ पर करते हैं हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के पहले जरा यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज जो भी पर्टिकुलर सॉइल थी उसको आप लोग डिवाइड करते हो इनटू टोटल फोर पार्ट, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था दैट वॉज ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसकी साइज 4.75 mm से बड़ी हो। 80 mm से छोटे वाले को ग्रेवल्स में काउंट किया जाता है। वहीं इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट आता था दैट वर सैंड। सैंड मतलब ऐसा जिसकी साइज 4.75 mm से छोटी हो और 0.075 mm से 0.075 mm से बड़ी हो, ठीक है। वहीं इसके अलावा थर्ड पार्ट आता था दैट वॉज सिल्ट, जो इससे भी छोटी होगी, जिसकी साइज होगी 0.075 mm से 0.002 mm के बीच में। वहीं इससे और छोटी जो पार्ट आता था दैट वॉज क्ले, जिसकी साइज 0.002 mm से भी छोटा हो। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो पहले दोनों हैं इन दोनों को हम लोग काउंट कर लेते हैं एज द कोर्स ग्रेन सॉइल, जबकि बाकी के सिल्ट और क्ले को हम लोग काउंट कर लेते थे इन द फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स और फाइन ग्रेन सॉइल में से भी अगर मान लिया जो आपकी पर्टिकुलर सॉइल है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसमें आप एग्जैक्टली बताना चाहते हो कि कितने पार्टिकल्स किस साइज के हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पर एक सीव एनालिसिस करते थे। सीव एनालिसिस का जो मेथड है वो बहुत सारे और अलग दूसरे बहुत सारे हम लोगों ने टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन सीव एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग साइज वाली सीव्स को प्लेस करते थे। सबसे ऊपर हम लोग वो वाली सीव प्लेस करते थे जिसकी ओपनिंग साइज सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर ओपनिंग साइज छोटी करते जाते थे, और कुछ मान लेते हैं इस तरह से आप वहाँ पर सीव्स रख रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी सॉइल होगी जिसमें आपको सीव एनालिसिस करना है, उस सॉइल सैंपल को आप सबसे ऊपर वाली सीव में रखते थे और उसके बाद इन सीव्स के सेट को शेक करते थे आइदर बाय मैकेनिकल शेकिंग और बाय द मैनुअल मेथड। शेकिंग करने के बाद आप ये चेक करते थे कि कौन से पर्टिकुलर सीव के अंदर कितना कितना पार्ट यहाँ पर बचा रह गया है, और उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते थे वैल्यू ऑफ परसेंटेज फाइनर, एंड फाइनली एक ग्राफ प्लॉट किया जाता था जिस ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे हम लोग परसेंटेज फाइनर की वैल्यू, जबकि एक्स एक्सिस पे आप लोग प्लॉट करते थे पार्टिकल साइज। यहां पर ये ध्यान रखने की बात थी कि जो परसेंटेज फाइनर था वो तो अरिथमेटिकल स्केल पे ही प्लॉट होता था, जबकि जो पार्टिकल साइज थी क्योंकि उसकी रेंज काफी ज्यादा थी इसलिए उसको प्लॉट करते थे ऑन द लॉग स्केल। लॉग स्केल का मतलब ये होता था कि अगर मान लें यहां पर 0.001 mm है तो अगले वाले में 0.01 mm प्लॉट होगा और अगले यूनिट पर 0.1 mm प्लॉट होगा, फिर उसके बाद 1 mm प्लॉट होगा और 10 mm प्लॉट होगा। परसेंटेज फाइनर का मतलब क्या होता था, तो परसेंटेज फाइनर आपको बताता था कि कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं दैट हैव साइज लेस देन और इक्वल टू द गिवन साइज, ठीक है। तो अगर यहां पर मान लेते हैं 10 mm की साइज देखते हो तो पक्की बात है 10 mm से जो छोटे वाले पार्टिकल्स होंगे वो कहीं ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स जिनकी साइज 0.01 mm से भी छोटी होगी। इसका मतलब कि जो परसेंटेज फाइनर है वो बड़े बड़े साइज के लिए ज्यादा होगा, छोटे साइज के लिए परसेंटेज फाइनर कम होगा, जिसके कारण ग्राफ कुछ इस तरह का बन सकता है। ये जो भी पर्टिकुलर ग्राफ है इसमें से आप ये नोट डाउन करते थे कि यहां पर परसेंटेज फाइनर 10%, 30% और 60% के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ रही है। तो मान लेते हैं जैसे ये 10% के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आ रही पार्टिकल साइज की, उसको आप लोग बोल देते थे एज अ D10, जबकि 30% के लिए जो वैल्यू आती थी उसको लिख देते थे हम लोग D30, जबकि 60% के लिए जो भी साइज आती थी उसको हम लोग बोल देते थे यहाँ पर D60। एग्जैक्टली इन D10, D30, D60 का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके लिए मैं यहाँ पर बस आपको D10, D30, D60 में से सिर्फ एक ही के बारे में समझा देता हूँ। सिमिलरली आप बाकी सबके बारे में भी समझ सकते हो। What was D30? तो D30 मतलब एक ही ऐसी पार्टिकल साइज विच वॉज करस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज फाइनर ऑफ 30%, या फिर इसी का मतलब ये था कि एक ऐसी पार्टिकल की साइज, पार्टिकल साइज विद रिस्पेक्ट टू विच 30% पार्टिकल्स आर स्मॉलर। वहीं इसके अलावा तीसरी एक और डेफिनेशन हो सकती है दैट इट इज द सीव साइज From which 30% of the particles will pass, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहां पर D30 की जगह D10, D60 भी यहां पर लिख सकते हो। D10 लिखा है तो D10 को ही हम लोग बोल देते थे एज द इफेक्टिव साइज,
ये इफेक्टिव साइज नाम दिया था किसने, तो दैट वाज गिवन बाय द एलन हैजन। फिर इसके बाद ये जो पर्टिकुलर आपने D10, D30, D60 की वैल्यूज निकाली, इसके बेसिस पे आप दो कोएफिशिएंट्स यहां पर डिफाइन कर देते थे। पहला जो कोएफिशिएंट था उसको हम लोग बुला लेते थे एज द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ऐसा नाम इसलिए दिया क्योंकि आपको ये बताता था कि जो भी पर्टिकुलर गिवन सॉइल है वो कितनी ज्यादा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ CU का फॉर्मूला जो था दैट वाज D60 अपॉन D10, और अगर CU की भी बात करें तो CU की वाली ये पक्की बात है कि 1 से ज़्यादा ही होगी, बट अगर मान ले 6 से ज़्यादा होगी तो आप लोग बोल देते थे दैट सैंड इज अ वेल ग्रेडेड सैंड। बट सिमिलरली अगर मान ले CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा होती थी तो हम लोग बोल देते थे ग्रेवल को भी कि दैट पर्टिकुलर ग्रेवल इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल। बट अगर मान ले CU की वैल्यू 6 से कम होगी तो आप बोल देते थे पुअली ग्रेडेड सैंड है, 4 से कम होगी तो हम लोग बोल देते थे वो पुअली ग्रेडेड ग्रेवल था। वहीं अगर मान ले CU की वैल्यू 1.2 से 1.4 के आसपास है तो इसका मतलब था कि ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज और ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज। ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज, और सेम साइज वाली जो भी सॉइल होती थी उसको हम लोग बोल देते थे एज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये सीखा कि वेल ग्रेडेड सॉइल हो या आपकी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल हो आप कैसे बताते थे यूजिंग द वैल्यू ऑफ CU। इसके अलावा जो दूसरा कोएफिशिएंट था दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर सिंबल देखे तो दैट वाज CC का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज D30² अपॉन D10 इंटू D60। अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ पर आप CC की वैल्यू अगर मान ले 3 और 1 के बीच में थी तो आप लोग बोल देते थे दैट द सॉइल इज वेल ग्रेडेड सॉइल। बट अगर मान ले CC की वैल्यू 3 से ज्यादा हो या CC की वैल्यू 1 से कम हो तो ऐसी सॉइल को आप लोग बोल देते थे पुअली ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, पुअली ग्रेडेड का मतलब होता है, पुअली ग्रेडेड का मतलब होता है कि भाई ऐसी सॉइल जिसके अंदर सभी पार्टिकल्स की जो साइज रेंज है वो बहुत छोटी हो। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है ऐसी सॉइल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहे इन सम पर्टिकुलर परसेंटेज। वहीं अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये जो परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज का जो ग्राफ था उसके बेसिस पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कितने अलग अलग तरह की सॉइल हो सकती थी, तो देखिए पहला तो ग्राफ ऐसा बन सकता था जिसके लिए जो स्लोप है वो जेंटल होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी पर्टिकुलर सॉइल में सभी साइज के पार्टिकल्स होंगे ऑफ सम डेफिनेट प्रपोर्शन, ऐसी सॉइल को आप लोग बोल देते थे एज अ वेल ग्रेडेड सॉइल। बट अगर मान ले ऐसा वर्टिकल कुछ स्टीप स्लोप वाला ग्राफ बन जाए तो स्टीप स्लोप वाले ग्राफ को लिए हम लोग बोल सकते थे कि इसमें सिर्फ बहुत ही छोटी सी साइज रेंज में ही पार्टिकल सारे प्रेजेंट हैं, इसलिए ऐसी तरह की सॉइल को हम लोग बोल देते थे एज द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जिसमें सभी इस पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं। बट अगर मान ले रेंज छोटी हो लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लोप यहाँ पर थोड़ा सा कम है तो इस तरह की सॉइल जिसके अंदर एक पर्टिकुलर स्मॉल साइज रेंज में ही सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे तो उसको बोल देते थे हम लोग पुअली ग्रेडेड सॉइल। इसके अलावा एक और ग्राफ बनता था, एक और ग्राफ मतलब जिसमें ग्राफ का जो स्लोप है वो एक तरह से कुछ वेरी करता हो, तो ऐसी पर्टिकुलर सॉइल में हम लोग ये बोल देते थे कि एक पर्टिकुलर साइज रेंज के पार्टिकल्स मिसिंग है एंड सच टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज गैप ग्रेडेड सॉइल। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के भी आप बता सकते थे कि कितने अलग अलग तरह की सॉइल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये तो था बार्ट फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल, बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द फाइन ग्रेन सॉइल तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए आप कभी भी सीव एनालिसिस नहीं करते थे बिकॉज फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर पक्की बात है कोहेजन हाई होता था। कोहेजन ज्यादा होने के कारण वो पार्टिकल्स ग्रुप बनाकर रहते थे जिसके कारण उनकी एक्चुअल साइज आप नहीं पता कर सकते थे बाय द सीव एनालिसिस, और उसके लिए आप लोग वहां पर परफॉर्म करते थे एक अलग मेथड जिसको बोलते थे हम लोग एज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस के भी दो टाइप थे आपके, पहला जो मेथड था दैट वाज पिपेट मेथड और जो दूसरा मेथड था दैट वाज द यूज ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड। हम लोग क्या करते थे सेडिमेंटेशन के लिए, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम लोग एक टैंक लेते थे और टैंक के अंदर पानी भर देते थे और उस पर्टिकुलर पानी के अंदर हम लोग सॉइल का ड्राई मास फिल कर देते थे, मिक्स करते थे, सॉल्यूशन बनाते थे और यहाँ पर ये चेक करते थे कि पर्टिकुलर किसी भी लेयर में कितने कितने पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे आप लोगों ने कंसंट्रेशन निकाला है आफ्टर सम गिवन टाइम तो आपको परसेंटेज फाइनर की वैल्यू दे देता था। जैसे कि अगर मान ले परसेंटेज फाइनर की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो यूजिंग द पिपेट मेथड, तो अगर मान ले आपके पिपेट में आ रहा है मास MD इन द वॉल्यूम VP, MD क्या है मास ऑफ सॉलिड्स इन द पिपेट कलेक्टेड ऑफ वॉल्यूम VP, तो टोटल आपने यहां पर कितने सॉलिड्स डाले थे MD
टोटल वॉल्यूम कितना था, कैपिटल वी। तो जो डिनोमिनेटर लिखा है ये टोटल सॉलिड्स का कंसंट्रेशन बताता है, जबकि न्यूमरेटर जो बता रहा है दैट इज द सॉलिड्स ऑफ दोस पार्टिकल, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दोस सॉलिड्स दैट हैव अ साइज लेसर देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर साइज। तो वो पर्टिकुलर साइज के लिए परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए ये फॉर्मूला था। एम डी और वी पी क्या थे, दीज आर द ड्राई सॉलिड्स इन द पिपेट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कलेक्टेड इन द पिपेट, एम डी क्या है टोटल सॉलिड्स का मास इन द टब, जबकि वी क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन द टब। वहीं अगर मान ले आप हाइड्रोमीटर मेथड यूज कर रहे हो तो उसके लिए वहां पर फॉर्मूला बन जाता था जी बाय जी माइनस वन इंटू आर एच इंटू थाउजेंड अपॉन एम डी। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था ये यूज करते थे आप लोग फॉर द हाइड्रोमीटर मेथड ओनली। हाइड्रोमीटर मेथड क्या था, तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड के किसी भी लेयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता सकते थे। याद होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉटम पे रहता था एक हैवी मेटल के तौर पर लेड, और यहाँ पर बीच में रहती थी जीरो वैल्यू और ऊपर होती थी पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नीचे होती थी नेगेटिव वैल्यू इन द हाइड्रोमीटर। यहाँ पर हम लोगों को जो भी हाइड्रोमीटर की रीडिंग दी होती थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर्टिकुलर लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बता पाते थे यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान ले आर एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि जो जी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होगी इफ आर एच इज पॉजिटिव। अगर मान ले आर एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि वहां पर जी की वैल्यू लेस देन वन होगी। ये तो था हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। लेकिन चाहे आपको ये भी मेथड से आप यहाँ पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस करो, तो उसके लिए हम लोग वहां पर कुछ तरह के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते थे वाइल डिटरमाइनिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। पहला जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाता था दैट वॉज नोन एज प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता था, क्योंकि अगर मान लिया आप सॉइल को पानी के अंदर डालो तो ऐसा ना हो जाए कि सॉइल के सॉलिड्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते थे उनको पानी के अंदर ऐड करने के पहले ही रिमूव करा जाता था, और ऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज कर लेते थे हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड वॉज यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहीं इसके अलावा कैल्शियम के जो कंपाउंड थे उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम भी अगर पानी के अंदर ऐड करते हैं वो एफ्लोरेसेंस देता था, बुलबुले प्रोड्यूस करता था, तो वो कैल्शियम को भी रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, HCl यूज करते थे। ये दोनों ही ट्रीटमेंट आप लोग कब देते थे, बिफोर एडिशन ऑफ द सॉलिड्स इन द वॉटर टब। वेयर एज इसके अलावा दूसरा ट्रीटमेंट भी दिया जाता था दैट वॉज फॉर द पोस्ट ट्रीटमेंट। ये इसलिए दिया जाता था ताकि आप डीफ्लॉकुलेशन कर पाओ। डीफ्लॉकुलेशन का मतलब क्या है कि जो भी सॉइल के सॉलिड्स होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, ग्रुप नहीं बनाने चाहिए, और उसके लिए आप वहाँ पर एक केमिकल ऐड करते थे और वो केमिकल का जो नाम था दैट वाज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और इसी को बड़े प्यार से बुलाया जाता था, दैट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज कैलगन। सो कैलगन को यूज किया जाता था एज अ डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट। ये तो था आपका पूरा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग सब सीखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर सॉइल थी उसको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं।